अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ऑफ़ बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट हेयर मिस इकरा मानत, और हमने जो SST का यूनिट स्टार्ट किया था वो था यूनिट नंबर 2 ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान। उसका पहला टॉपिक हमने कवर अप कर लिया था। अब मूव करते हैं टुवर्ड्स द सेकंड टॉपिक, द ओल्ड एंड द न्यू। इन सम प्लेसेज देर आर बिल्डिंग्स और रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड रिमाइंडर्स फॉर आवर हिस्ट्री एंड आवर एंसेस्टर्स। कुछ पाकिस्तान में ऐसे प्लेसेस भी हैं और ऐसे बिल्डिंग जहाँ पे ऐसे बिल्डिंग्स मौजूद हैं जो कि हमें रिमाइंड करवाती हैं हिस्ट्री के बारे में और एंसेस्टर्स के बारे में। हमारे जो एंसेस्टर्स हैं मीन्स के ऐसे पीपल, दोस पीपल हु लिव्ड इन द पास्ट और हैव ग्रेट रोल इन द पास्ट। पाकिस्तान इज़ अ लैंड वेयर ग्रेट सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन द पास्ट। देयर रिमेन हेल्प अस टू लर्न अबाउट आवर पास्ट विच स्टिल इन्फ्लुएंसेज और कल्चर एंड ट्रेडिशन। पाकिस्तान एक ऐसी लैंड है जहाँ पर ग्रेट सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर चुके हैं पास्ट में, और उसके अलावा ये हमें हमारी इस तरफ भी हेल्प करते हैं कि हम जो है अपने पास्ट को याद भी रखें, और उसके अलावा ये स्टिल इन्फ्लुएंस करते हैं, असर करते हैं, असरअंदाज होते हैं किस पे, कल्चर पे भी और ट्रेडिशन पे भी, सकाफत पे और हमारी रवायात पे स्टिल इन्फ्लुएंस करते हैं। इन अ मॉडर्न सिटी लाइक इस्लामाबाद और कराची देयर आर मैनी फाइन न्यू बिल्डिंग्स। दीज रिमाइंड अस दैट पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग नेशन। When we travel in an aeroplane or train or a car, we are reminded that Pakistan has a modern communication network. जितनी कराची में और इस्लामाबाद में जो मॉडर्न सिटीज़ हैं वो मॉडर्न सिटीज़ में सॉरी कराची और इस्लामाबाद मॉडर्न सिटीज़ तो हैं, लेकिन वहाँ पर जो मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं वो हमें रिमाइंड करवाती हैं कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग नेशन है। और इसके अलावा जब हम ट्रैवल करते हैं एरोप्लेन में, ट्रेन में और कार में, तो इससे हमें ये भी रिमाइंड करवाया जाता है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के पास मॉडर्न कम्युनिकेशन नेटवर्क मौजूद है डेट कैन ट्रांसपोर्ट अस टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री और द वर्ल्ड, जो कि हमें एक जगह से मीन्स के एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी ट्रैवल कर सकते हैं हम इजीली, और इसके अलावा इन द होल वर्ल्ड ट्रैवल कर सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास जो साइट पे पिक मौजूद है दमकली ग्रेवयार्ड की, ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी प्लेस है। ग्रेवयार्ड का तो आपको पता है किसे कहते हैं, जहाँ पे डेड बॉडीज मौजूद होती हैं, कब्रस्तान को कहते हैं इन शॉर्ट में। और ये कौन सा है, मकली ग्रेवयार्ड है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी है और काफ़ी ओल्ड भी है। उसके अलावा यहाँ पे जो पिक्स हैं मौजूद हैं वो फाइन बिल्डिंग्स इस्लामाबाद के हैं, और इसके अलावा किसके मौजूद हैं, कराची के। अच्छा स्टूडेंट अब मूव करते हैं पेज नंबर 27 पे, और नेक्स्ट टॉपिक गिलगित बल्तिस्तान की तरफ मूव करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान एंड हुंजा नॉर्थन एरियाज। हुंजा एक स्मॉल वैली है, माउंटेन्स में मौजूद है, और इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के भी नॉर्थ साइड पे है। आर इन ब्यूटिफुल माउंटेन्स एरियाज टू द वेरी नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। दे बॉर्डर द डिस्प्यूटेड रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इनकी जो सरहद है वो जम्मू और कश्मीर से गुजरती है, या फिर उनसे क्या कहते हैं, तकरार करती है, टुकराती है, या उनको टच करती है, मीन्स कि उस रास्ते से गुजरती है। नॉर्थन एरियाज वर गिवन द सॉरी अबव लाइन से स्टार्ट करना था। ऑन 29 अगस्त 2009 द नॉर्थन एरियाज वर गिवन द स्टेटस ऑफ अ सेल्फ ग्रोइंग टेरिटरी कॉल्ड गिलगित बल्तिस्तान। 29 अगस्त 2009 में नॉर्थन एरियाज को एक स्टेटस दिया गया। किस चीज़ का स्टेटस दिया, टेरिटरी का, किस किस्म का स्टेटस दिया गया, टेरिटरी का। टेरिटरी मीन्स के कोई ऐसा एरिया जो कि किसी के कंट्रोल में होता है, एक ऐसा एरिया जो किसी के कंट्रोल में होता है उसे हम क्या कहते हैं, टेरिटरी। तो जो गिलगित बल्तिस्तान को स्टेटस दिया गया वो टेरिटरी स्टेटस दिया गया, सेल्फ ग्रोइंग टेरिटरी। द आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क अलॉन्ग विद इट्स हेल्थ सर्विस प्रोग्राम एंड एजुकेशन सर्विस हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस 1982 एंड हैज़ मेड अ मार्क्ड इम्पैक्ट। जो आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क है और उसके अलावा हेल्थ सर्विस प्रोग्राम, एजुकेशन सर्विस है, वो स्टिल वर्क कर रहा है। कब से वर्क कर रहा है, 1982 से स्टिल जो है वो वर्क कर रहा है, और इसका बहुत ही ग्रेट इम्पैक्ट भी है।
The literacy rate has been increased by establishing schools and colleges. Literacy rate means के total number of literate person. तो उनका total number of literate person has been increased by establishing schools and colleges. Healthcare centers have sent up and their support staff is given proper training. There are also projects to support agriculture and to reduce poverty by making the local people self-sufficient. Healthcare means के healthcare centers जो है वो establish किए गए हैं, उसके अलावा proper staff की training की गई है और further projects जो है वो projects perform किए गए हैं to support agriculture. और ये project इसलिए भी perform किए गए हैं कि इससे क्या हो कि जो poverty है, जो गुर्बत है, वो क्या हो, reduce हो जाए. ओके स्टूडेंट्स, टुडे जो हमारा टॉपिक रहा है वो पेज नंबर 26 और पेज नंबर 27, इन दोनों पेजेस के हमने रीडिंग, टू पॉइंट्स की रीडिंग हमने कर ली है. कवर द ओल्ड एंड द न्यू एंड द गिलगित बल्तिस्तान. होप सो आपको इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई होगी, अच्छे से आपने इसको अंडरस्टूड कर लिया है. बट स्टिल आपने इसकी रीडिंग करनी है और टू और थ्री टाइम्स इसकी रीडिंग करनी है. रीडिंग करने के बाद हम जब एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, आसानी होगी, हम इजीली एक्सरसाइज भी सॉल्व कर सकेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफ़.